हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक्नो प्लेफ्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपको विंडोज़ 10 या 11 को अपडेट करते वक्त किसी भी तरह का एरर मैसेज आ रहा है या अपडेट आपका फेल हो जाता है तो उसको कैसे फिक्स करें। इवन अगर कोई भी अपडेट को लेके तुम्हारे पास इश्यूज़ हैं, अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारे इश्यूज़ को तुम फिक्स कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बहुत सारे सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर लेने हैं और उसके बाद जो अपडेट का प्रॉब्लम है वो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो चलो मैं स्क्रीन में तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे उनको तुम्हें परफॉर्म करने हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, और वीडियो देखने के बाद तुम्हारा इश्यू रिजॉल्व होता है, तुम्हारा काम बन जाता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई सवाल है, कोई दिक्कत आती है एट द एंड ऑफ द वीडियो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबसे पहले अपने विंडो सर्च पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो ट्रबल शूट, और ट्रबल शूट सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो। अदर ट्रबल शूटर में जाओ, यहाँ पे विंडोज अपडेट पे रन करना है, और यहाँ पे डिटेक्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो विंडोज़ ट्रबल शूटर होता है वो डिटेक्ट करता है कि आखिर क्यों आपका विंडोज़ अपडेट नहीं हो रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम है, और या तो तुम्हें यहाँ पे ये सजेशन देगा, और बहुत टाइम ये क्या करता है रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और आपके अपडेट को रिजॉल्व कर देता है। तो इसको कम्प्लीटली रन करो, रन होने के बाद देखो कि यहाँ से क्या आउटपुट तुम्हें मिलता है। अगर ये कहता है कि रिजॉल्व हो गया है तो अगेन जाके चेक करो तुम्हारा विंडोज़ अपडेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर यहाँ से भी तुम्हारा काम नहीं बनता है तो अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें स्टोरेज वाला ऑप्शन सर्च करना है, यहाँ तुम सर्च भी कर सकते हो या ढूंढ भी सकते हो मैनुअली। स्टोरेज पे क्लिक करो और यहाँ पे मेक श्योर करके रखो स्टोरेज सेंस वाला ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे इनेबल्ड है। उसके बाद तुम्हें ऊपर टेम्परेरी फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो विंडोज़ अपडेट क्लीनअप है, रिसाइकल बिन है, डाउनलोड्स है, थंबनेल है, कैशेस मिलेंगे। तो अगर तुम्हें रिसाइकल बिन वाला आइटम नहीं चाहिए, डाउनलोड जो तुमने किए हैं अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए, और विंडोज़ अपडेट क्लीनअप है तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, इन सारे ऑप्शन को चेक कर लो और उसके बाद रिमूव फाइल पर क्लिक कर दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा रिमूव होने में, और रिमूव होने के बाद इसे यहाँ से क्लोज़ करो। नेक्स्ट विंडो सर्च पे क्लिक करो, दोबारा से सर्विसेज टाइप करो और सजेशन में चूज करो सर्विसेज ऐप। यहाँ पे तुम्हें एक सर्विस देखनी है विंडोज़ अपडेट। बहुत टाइम आपकी विंडोज़ अपडेट जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, या तो आप कभी कभी आप जानबूझ के इंटेंशनली भी इसको डिसेबल करते हो कुछ पर्पस से। तो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को सर्च करो, और मिलते ही यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करो। मेक श्योर करके रखो कि स्टार्टअप टाइप तुम्हारा यहाँ पे डिसेबल नहीं है, ये सेट होना चाहिए ऑटोमेटिक पे, और स्टेटस यहाँ पे तुम्हारा रनिंग होना चाहिए। अगर रनिंग नहीं है तो स्टार्ट पे क्लिक करके इसको रन करा दो, और अगर फिर भी रनिंग है तो भी एक बार यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करो और दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक कर दो, तो तुम्हारी सर्विस यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगी। अब अप्लाई करो और ओके पे क्लिक करके इसे यहाँ से क्लोज करो। नेक्स्ट तुम्हें अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, येलो फोल्डर को, फिर लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में तुम्हें दिस पीसी पे क्लिक करना है, लोकल डिस्क सी में जाना है, यहाँ तुम्हें विंडोज़ वाला फोल्डर मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करो, और यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी फाइल हैं इन्हें कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करो और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने के बाद दोबारा सिस्टम को रीस्टार्ट करो, और आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारा अपडेट प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। इन केस अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ पावरफुल कमांड है जो तुम यूज़ कर सकते हो इस तरह के इश्यू को फिक्स करने के लिए। तो उसके लिए विंडोज सर्च पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो cmd, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, इस पर राइट क्लिक करके चूज करो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे ब्लैक विंडो तुम्हारी ओपन होगी। अब तुम्हें डिस्क्रिप्शन से कुछ कमांड मिलेंगी जो तुम्हें वन बाई वन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने हैं। पहली हमारी कमांड है dism ऑनलाइन क्लीनअप इमेज चेक हेल्थ, जो कि हेल्थ वगैरह चेक करेगी कैसा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसे कॉपी करो, ब्लैक विंडो में आओ, राइट क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी, फिर एंटर करो। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, दोबारा से ब्लैक विंडो पे आओ, राइट क्लिक करो और एंटर कर दो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, स्कैन करेगा, तो इसके स्कैन हो जाने के बाद 100% होने के बाद थर्ड कमांड तुम्हें यहाँ से कॉपी करनी है और वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो मेक श्योर करके रखना कि ये कमांड तुम्हारा थोड़ा हो सकता है टाइम ले, क्योंकि बहुत डीप तक ये तुम्हारी चीज़ों को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ विंडो को क्लोज मत करना, मेक श्योर करके रखना पावर वगैरह तुम्हारा प्रॉपरली कनेक्टेड है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए फाइनली तुम्हें ये वाली कमांड रन करनी है
SFC स्कैन नाउ वाली, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना। और जब फाइनली तुम्हारी सारी कमांड कंप्लीट हो जाती है, दोबारा को सिस्टम रीस्टार्ट करो और तुम्हारा विंडोज अपडेट को लेके जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। इवन जितनी भी अदर कुछ इश्यूज होंगे वो भी तुम्हारे विंडोज को लेके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो होपफुली गाइस ये सारे सॉल्यूशन तुम्हारे लिए काम करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।